शुक्रिया। आज 29 जून, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार के मौसम से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप दूसरे YouTube चैनल बिहार वेदर को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मौसम से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में 15 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की तैयारी। IIT पटना में लगेगा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। बिहार में गहराने लगा बाढ़ संकट। श्रावणी मेला को लेकर बिहार पर्यटन की खास पहल। सरकार ने भी माना कॉलेजों में शिक्षकों की किल्लत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 15 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की तैयारी। बिहार में अब जल्द ही 15 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की तैयारी हो रही है। रेलवे क्रॉसिंग पर अब लगने वाले जाम से जल्द ही लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। इसको लेकर राज्य सरकार ने जाम लगने वाले 15 रेलवे क्रॉसिंग की पहचान कर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। इसका निर्माण कार्य सेतु बंधन योजना के तहत किया जाना है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, नवादा, बेगूसराय और कटिहार में 15 ROB बनाने का फैसला लिया गया है। ROB के निर्माण में 1175 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में सेतु भारतम योजना के तहत ही ROB का निर्माण हो रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वो हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंधन, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। IIT पटना में लगेगा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना अगले 2 महीने के भीतर देश के सबसे अपडेटेड सुपर कंप्यूटर से लैस हो जाएगा। इससे शिक्षा, चिकित्सा और मौसम के क्षेत्र में रिसर्च को नया आयाम मिलने वाला है। IIT पटना में सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल करने की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। इसको लेकर हाल ही में सीडा की स्थानीय टीम ने IIT परिसर का निरीक्षण किया। अब जल्द ही केंद्रीय टीम जगह के चयन और कंप्यूटर को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को आखिरी रूप देने के लिए यहां आएगी। इसको लेकर साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इन 9 संस्थानों में IIT पटना का चयन किया है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मीठापुर पटना ने निकाली रिक्तियां। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मीठापुर पटना ने कंप्यूटर ऑपरेटर, रिकॉर्ड सहायक के कुल मिलाकर 8 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए MS ऑफिस और अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग के अच्छे ज्ञान के साथ ही 55% अंकों के साथ स्नातक और डेटा एंट्री का 5 साल का कार्य अनुभव, वहीं रिकॉर्ड असिस्टेंट के 10+2 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के साथ पुस्तकालय विज्ञान में 2 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ डिप्लोमा धारक को वरीयता दी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार तारीख कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 11 जुलाई 2022, रिकॉर्ड सहायक के लिए 12 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट cnlu.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। उर्दू बांग्ला TET अभ्यर्थियों का दिखा प्रदर्शन। उर्दू बांग्ला TET अभ्यर्थी अब बिहार सरकार से रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत ही अपनी मांगों को लेकर इन अभ्यर्थियों ने जदयू के MLC गुलाम रसूल बलियावी के आवास पर पहुंचने का काम किया। इस दौरान ही अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद ही MLC बलियावी ने भी अपना बयान जारी किया है, जहां पर इन्होंने कहा कि मैंने कई बार इसको संज्ञान में लिया है, सरकार प्रयास कर रही है, जो संभव होगा उस दिशा में काम किया जाएगा। 12,000 उर्दू बांग्ला TET का मेरिट लिस्ट में नाम आया था, बावजूद इसके उन लोगों को फाइनल परिणाम में फेल कर दिया गया। इस वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान है। बिहार के आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय और वैशाली में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये संग्रहालय 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें खुदाई के दौरान पाई जाने वाली पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कई शानदार मुकुट, हार, गहने आदि को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सिर की प्रतिमा लगाई हुई है। इन सामानों के अलावा इन संग्रहालय में गाँव के लोगों के द्वारा आजादी से पूर्व का दिया सामान भी प्रदर्शन में रखा गया है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, उमाशंकर की मूर्ति आदि को भी रखा गया है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान रखा हुआ है। संग्रहालय में 2000 पुरावशेष रखे हुए हैं। यहां गुप्तकाल, मयूरकाल और कुहुंस काल के दौरान का भी काफी सामान रखा गया है। बिहार में गहराने लगा बाढ़ संकट। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण अब बिहार में गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण ही बिहार के बगहा में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि नेपाल के इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
बुटवल और ज्योति नगर में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश अगले 24 घंटे में गंडक नदी में अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज नियंत्रण कक्ष द्वारा नदी में 1,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लिहाजा प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ की संभावना को लेकर अलर्ट कर दिया है। बारिश को देखते हुए जल संसाधन विभाग सतर्क हो गया है और नेपाल की बारिश पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारी बारिश होने के कारण गंडक नदी के जल स्तर में भारी वृद्धि होने की संभावना है। जेपी गंगा पथ पर यातायात होगी नियंत्रित। बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ पर यातायात की सुविधा पर अब प्रशासन की नजर रहने वाली है। इसको लेकर बीते दिन ही पटना कमिश्नर कुमार रवि ने जेपी गंगा पथ पर यातायात नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसको लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि नवोद्घाटित जेपी गंगा पथ लोक आकर्षण का एक अहम केंद्र है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी अब सुचारू एवं सुगम यातायात प्रबंधन और विधि व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करना आवश्यक वाला है। इस दौरान ही पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य में दूर होगी शिक्षकों के प्रशिक्षण की समस्या। बिहार में आने वाले समय में अब शिक्षकों के प्रशिक्षण की समस्या खत्म होने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से बीते दिन बिहार के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद नवनियुक्त 356 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसको लेकर फाउंडेशन कोर्स के 53, समावेशी शिक्षा के 32, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के 18, योजना एवं शोध के 31, हिंदी के 20, अंग्रेजी के 17, उर्दू के 11, संस्कृत के 6, गणित के 11, भौतिकी के 23, रसायन शास्त्र के 22, वनस्पति विज्ञान के 19, प्राणी विज्ञान 22 और सामाजिक विज्ञान के 61 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि राज्य में 4 प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान वर्तमान समय में है। रसोई गैस सिलेंडर फिर हुआ महंगा। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक बार फिर से करारा झटका लगा है, जिसके तहत ही अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। बीते दिन से ही 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर का कनेक्शन महंगा हो गया, यानी कि अब अगर आप आने वाले समय में कमर्शियल सिलेंडर का नया कनेक्शन लेते हैं तो इसके लिए पहले से ज्यादा रुपए देने होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादा देना होगा। 19 किलो वाले सिलेंडर के सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट को 2400 रुपए, पैनल रेट को 3600 रुपए देने होंगे, जबकि 47.5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट 4900 रुपए कर दिया गया है। इसके लिए टैरिफ रेट 4300 से बढ़कर 4900 रुपए और पैनल रेट 6450 रुपए से 7350 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में एक्टिव हुई एंटी रोमियो टीम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह बिहार सरकार ने भी प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत कर दी है। बता दें कि प्रदेश के किशनगंज से इसकी शुरुआत की गई है। पिछले दिनों किशनगंज के एसपी के साथ थाना इंचार्ज ने शहर में स्कूल और कॉलेजों के सामने भीड़ लगाने वाले युवकों की खबर ली, साथ ही यहां खड़ा होने का कारण भी पूछा। इसके बाद चेतावनी देकर उन्हें वहां से चले जाने को कहा गया। इधर एंटी रोमियो टीम ने स्कूल की छात्राओं से बातचीत की। नेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि आए दिन स्कूल के बाहर युवकों का जमावड़ा लगा रहता है, आए दिन बच्चियों को परेशान किया जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कि ये स्कूल में घुस जाते हैं। इस दौरान एंटी रोमियो टीम ने शहर में घूम घूम कर छात्राओं से बात की है। बिहार में बढ़ते अपराध पर केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान। बिहार में अपराध का ग्राफ इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर विपक्ष तो बयानबाजी कर ही रही है, साथ ही सत्ता पक्ष के लोग भी अब बयान देने लगे हैं। इसी बीच अब बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बेतुका बयान दिया है, जिसके तहत ही बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर जब केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा राज्य है, कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पशुपति पारस ने यह बयान हाजीपुर में 22 जून को हुई स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार की हत्या होने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत दौरान कही है। बिहार में हुआ 3407.35 करोड़ का निवेश। बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी बीच अब बिहार विधान परिषद में बिहार में बढ़ रहे उद्योगों को लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि बिहार में 3407 करोड़ का निवेश हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने यह बयान बीते दिन राजद के वरिष्ठ विधान पार्षद रामचंद्र पूर्वे ने सदन में ये प्रश्न जब उठाया, जिसके जवाब में ही शाहनवाज हुसैन ने बताया कि राज्य में बंद चीनी मिलों की 2442.41 एकड़ भूमि बियाडा को हस्तांतरित की गई है। चीनी मिल से प्राप्त भूमि का मास्टर प्लान तैयार कर उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। बिना मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नामांकन लेने से शिक्षा विभाग ने किया आगाह।
बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों में बगैर मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन लेने से छात्रों को सावधान कर दिया है। आपको बताते चले कि बगैर मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी संस्थान ऐसी कोर्स संचालित नहीं कर सकता जो कि मान्यता प्राप्त नहीं हो। शिक्षा विभाग ने इस पर नजर रखने को कहा है। जो भी फर्जी तरीके से डिग्री कोर्स को संचालित कर रहे हैं, जिम्मेवार पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने भी माना कॉलेजों में शिक्षकों की किल्लत। राज्य में माध्यमिक स्कूलों हो या फिर विश्वविद्यालय टीचर और प्रोफेसर की किल्लत से जूझ रही हो, वहीं सरकार ने भी इस बात को स्वीकारा है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की कमी की वजह से गेस्ट फैकल्टी से काम चलाना पड़ रहा है। दरअसल विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में भाजपा के विधायक नीतीश मिश्रा ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी की कमी का मसला उठाया था। उनके सवाल के जवाब में राज्य सरकार के विभागीय मंत्री सुमित कुमार सिंह ने इस बात को कबूल किया कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी की कमी है। फिलहाल गेस्ट फैकल्टी के सहारे किसी तरह काम चलाया जा रहा है। श्रावणी मेला को लेकर बिहार पर्यटन की खास पहल। श्रावणी मेले का समय नजदीक आ रहा है और बिहार सरकार को बखूबी पता है कि इस वक्त श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ उमड़ती है। हालांकि श्रावणी मेला और श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए राज्य के बिहार पर्यटन विभाग ने इस बार श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष पहल की। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस साल कांवरिया यात्रा की शुरुआत स्थल सुल्तानगंज से बिहार झारखंड के सीमा तक कुल 11 टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, सुल्तानगंज बस स्टैंड, सुल्तानगंज घाट, गांडी, बेलारी, कुमारसार, धौरी, सुइया, अबरखा, कटोरिया, इंद्रावरण और डुम्मा में बनाए जाएंगे। इन्फॉर्मेशन सेंटर 24 घंटे पर्यटकों को सुविधा के लिए चालू रहेगा। इसके अलावा 50 जगहों पर स्वागत द्वार भी लगाए जाएंगे। विधान परिषद में विरोध प्रदर्शन करने उतरी राबड़ी देवी। विधानसभा सहित विधान परिषद में भी विपक्ष का हंगामा बीते दिन देखने को मिला। दरअसल विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले राजद के सदस्यों ने विधान परिषद पोर्टिको में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल रहे। इस दौरान राबड़ी देवी के हाथों में एक पोस्टर देखने को मिला जिसमें लिखा था, कहां है मेरा रोजगार। साथ ही उस पर छोटे अक्षरों में यह भी लिखा हुआ था कि बेरोजगारी से देश का नौजवान कब तक जूझता रहेगा, दर दर यूं ही कब तक भटकता रहेगा। साथ ही राबड़ी देवी ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि जिन छात्रों को विरोध करने के लिए जेल में बंद कर दिया गया उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एक साल से कम अवधि में अधिकारी का तबादला करना बिहार सरकार को पड़ा महंगा। कई प्रशासनिक क्षेत्रों में एक साल से भी कम अवधि में स्थानांतरण करना बिहार सरकार को भारी पड़ा है। दरअसल बिहार सरकार ने प्रशासनिक सुधार और विकास हितों को देखते हुए प्रावधान बना रखा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला 3 साल की अवधि के बाद ही होगा। हालांकि अपवाद में कई बार जून के महीने में 3 साल से कम अवधि वालों का भी तबादला किया जाता है। वहीं बिहार सरकार को 1 साल की कम अवधि वाले एक अधिकारी का तबादला करना महंगा पड़ गया। इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट में जाने के बाद उस अधिकारी को पुनः उसी स्थान पर पदस्थापित किया गया। ये अधिकारी दरभंगा सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि प्रकाश थे। शशि प्रकाश ने अपने स्थानांतरण को लेकर के चुनौती दी थी जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच सुलह के प्रयास करने पर होगी काउंसलिंग। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला बीते लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच अब इस मामले को लेकर बीते दिन एक बार फिर से सुनवाई हुई जिसके बाद ही आशुतोष कुमार सिंह और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुलह का प्रयास करने को कहा है। इसके लिए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को इनके बीच बैठक कर सुलह के मुद्दे पर संभावना तलाशने को कहा। इसको लेकर ही बीते दिन तेज प्रताप और ऐश्वर्या न्याय कक्ष में उपस्थित थे। इसके साथ ही तेज प्रताप की मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और ऐश्वर्या के पिता न्याय कक्ष में मौजूद रहे। इस दौरान अब सारी सुनवाई बंद कक्ष में हुई और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से ये बताने को कहा था कि क्या दोनों पक्षों में सुलह की कोई संभावना है या नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार की शाम पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रधान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की जिसके ठीक बाद भाजपा कार्यालय में मंत्री और नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रधान की हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन जदयू की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई बयान सामने अब तक नहीं आया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो प्रदेश में जातीय जनगणना और अग्निपथ को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक को काफी माना जा रहा है। इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान ने साल 2010 में भाजपा और जदयू के बीच में आई दूरी को कम करने की कोशिश की थी। ऐसे में प्रधान के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है।
विपक्ष करेगा विधानसभा का बहिष्कार। बिहार में इन दिनों विधानमंडल का सत्र चल रहा है, जिसके बाद ही अब बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र का विपक्ष बहिष्कार करने वाला है। इसके साथ ही बुधवार यानी कि आज विपक्षी दल के सदस्य विधानमंडल में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के सामने बैठकर धरना देने वाले हैं। तेजस्वी यादव की माने तो सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया गया है, अगर सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो विधानसभा जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि हम सदन को चलने देना चाहते हैं, लेकिन सत्ताधारी जदयू और भाजपा नहीं चाहते कि सत्र चले। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सिकंदर बेग ने 1444 में ऑटोमन साम्राज्य की सेना को हरा दिया। विलियम शेक्सपियर का ग्लोब 1613 में थिएटर आग लगने से क्षतिग्रस्त हुआ। अभिनेत्री मार्लिन मुनरो ने 1956 में पटकथा लेखक आर्थर मिलर से विवाह रचाया। भारत और अमेरिका में 2005 को समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ। सचिन तेंदुलकर ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के दूसरे मैच में आंद्रे नेल की गेंद पर वनडे करियर के 15,000 रन पूरे किए। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता। मानव तस्करी की निगरानी सूची वॉचलिस्ट में 2011 में भारत को बाहर कर दिया गया है। 6 साल के अंतराल के बाद अमेरिका ने भारत को मानव तस्करी की निगरानी सूची वॉचलिस्ट से बाहर कर दिया। साइना नेहवाल ने 2014 में ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती। भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का जन्म 1901 में हुआ। व्हाट्सएप पर शॉपिंग को और आसान बनाने आ रहा है ये फीचर। व्हाट्सएप अपने फीचर पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि यूजर को विभिन्न रचनात्मक तरीकों से एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अधिक अलग अलग तरीके प्रदान किए जा सके। इसके अलावा कंपनी ने यूजर के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करना भी आसान कर दिया है। व्हाट्सएप पे ने व्हाट्सएप बिजनेस द्वारा पेश किए जाने वाले फीचर्स के साथ मिलकर मैसेजिंग सर्विस और छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए आदर्श मंच बना दिया है। वहीं कंपनी ने यूजर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान कर दिया है। आईसीसी के सवाल पर भज्जी ने दिया जवाब। रोहित के कोविड 19 पॉजिटिव होने के बाद से सब इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेंगे। सबके मन में यही सवाल है कि अहम टेस्ट मैच में बीसीसीआई किसे कप्तान बनाएगी। कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने इस पर अपनी राय रखी है। मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भी फैन से यही सवाल किया। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए आईसीसी ने पूछा कि एस बेस्टन टेस्ट में अगर रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं होते तो भारतीय टीम की अगुवाई कौन करेगा। पूर्व भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने आईसीसी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम लिखा। हरभजन ने आईसीसी के सवालों के जवाब में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टैग किया है। तेजस्वी यादव की शायरी पढ़कर चकराए ट्विटर यूजर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं, वो चाहे उनका दिया गया ट्वीट हो या फिर मीडिया के सामने दिए गए बयान। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा ट्वीट किया जो कि यूजर समझ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर खूब सियासत हो रही है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी जुबैर की गिरफ्तारी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ए आंख वालों इबरत हासिल करो, कोई जालिम कोई जाबिर हमेशा ना रहा है ना रहेगा, एक दिन उसको जरूर अपने आमाल का हिसाब देने अपने रब के रूबरू हाजिर होना होगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट के कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, राकेश कुमार, रवि कुमार, रोहित सिंह, बिक्कू कुमार, शैलेश कुमार, मुनेश्वर शाह, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी का अहम कारण क्या हो सकता है। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।